फाइलम कॉर्डाटा को तीन सब फाइलम में बांटेंगे, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। यूरो मीन्स होता है टेल, सिफेलो मीन्स होता है हेड। कॉर्डाटा में एक चीज याद रखिएगा, नर्व कॉर्ड डॉर्सल होगा और नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ऑलवेज डॉर्सल होगा, ट्यूबुलर होगा, हॉलो होगा और इसमें कोई गैंग्लिया नहीं पाया जाएगा। गैंग्लिया नर्व के एक्यूमुलेशन को कहते हैं। नर्व कॉर्ड ऑलवेज डॉर्सल होगा, ट्यूबुलर होगा, हॉलो होगा और नॉन गैंग्लियनेटेड होगा। यूरोकॉर्डाटा या सब फाइलम है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा। नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में पाया जाएगा, जैसा कि नाम है यूरो, यूरो कहीं भी लगा रहेगा, समझ जाना कि टेल को बता रहा है। एग्जाम्पल हर्डमेनिया, सिफेलोकॉर्डाटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एंटेरियर और हेड रीजन, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिफेलो। सिफेलिक मीन्स होता है हेड, नोटोकॉर्ड हेड रीजन में पाया जाएगा। एग्जाम्पल एम्फियोक्सस और ब्रांचियो स्टोमा। यूरो मीन्स टेल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा। एग्जाम्पल हर्डमेनिया एंड सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलिक मीन्स हेड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट एंटेरियर और हेड रीजन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल एम्फियोक्सस एंड ब्रांचियो एस्टोमा। और भी एग्जाम्पल होगा, बट जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है वो एग्जाम्पल यही है। आपको पूछ देगा कि एम्फियोक्सस किस फाइलम में आता है, फाइलम कॉर्डाटा में आता है। एम्फियोक्सस किस सब फाइलम को बिलोंग करता है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डाटा को बिलोंग करता है। वर्टिब्राटा तीसरा सब फाइलम, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम, इसको बैकबोन कहते हैं, उसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। मतलब एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। सभी वर्टिब्रेट में ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम पाया जाता है। सेकेंड कैरेक्टर वर्टिब्रेट का क्रेनियम प्रेजेंट, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स को कहते हैं। क्रेनियम के पाए जाने के कारण वर्टिब्राटा को क्रेनियाटा भी कहते हैं।
दो सब फाइलम आपने पढ़ा, यूरोकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा, उसमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम नहीं पाया जाता है, इसलिए यूरोकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा इन दोनों में ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको एक्रेनियाटा भी कहते हैं। प्रिमिटिव कॉर्डेट है यह, इसलिए यूरोकॉर्डाटा को और सिफेलोकॉर्डाटा को प्रोटोकॉर्डाटा भी कहते हैं। वर्टिब्राटा को दो सेक्शन में बांटा गया है, एग्नाथा ग्नेथोएस्टोमाटा, पहले आप पढ़ चुके। एग्नाथा में एक क्लास साइक्लोएस्टोमाटा एंड ग्नेथोएस्टोमाटा में दो सुपर क्लास फिशिज एंड टेट्रापोडा। वर्टिब्राटा को दो सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन एग्नाथा एंड सेक्शन ग्नेथोएस्टोमाटा। ए मीन्स विदाउट एंड ग्नेथोज मीन्स जॉ। एग्नाथा में जो एनिमल आएंगे उसमें जॉ नहीं पाया जाएगा। जॉ एब्सेंट। एग्नाथा में एक ही क्लास आएगा जिसका नाम है साइक्लो एस्टोमाटा। वर्टिब्राटा इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, फर्स्ट इज एग्नाथा एंड सेकेंड इज ग्नेथोएस्टोमाटा। इसे दो सेक्शन में बांटा गया है, पहला एग्नाथा और दूसरा ग्नेथोएस्टोमाटा। एग्नाथा ए मीन्स विदाउट एंड ग्नेथोज मीन्स जॉ। एग्नाथा में जॉ नहीं पाया जाएगा, जॉ या जबड़ा एब्सेंट होगा। इसमें एक क्लास है, क्लास साइक्लोएस्टोमाटा, क्लास साइक्लोएस्टोमाटा। साइक्लो में सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ, दैट इज सर्कुलर माउथेड एनिमल, ऐसा एनिमल जिसमें सर्कुलर माउथ होगा, जॉ नहीं पाया जाएगा। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, और लैम्प्रे, मेगजिन, दैट इज हैगफिश। साइक्लोएस्टोमाटा एग्नाथा का सिंगल क्लास है, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, एस्टोमा मीन्स माउथ, सर्कुलर माउथ पाया जाएगा। और दो एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड मेगजिन हैगफिश। ग्नेथो एस्टोमाटा दो सुपर क्लास, सुपर क्लास वन पाइसिस या पिसिस एंड सुपर क्लास टू
टेट्रापोडा स्पाइसेस में ट्रू फिश आएगा एंड टेट्रापोडा एनिमल विथ फोर लिंब हैंड और लेग मिलाकर या लेग चार लेग होगा टेट्रापोडा में. टेट्रा मीन्स फोर, पोडोज मीन्स लेग. एंड पाइसेस सुपर क्लास में तीन क्लास आएंगे, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस. प्लैकोडर्मी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. बॉडी विथ हार्ड एंड डर्मल स्केल और प्लेट. बॉडी में हार्ड या डर्मल डर्मिस का बना हुआ स्केल्स या प्लेट पाया जाता था. एग्जाम्पल क्लाइमेटियस. कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश, ऐसा फिश जिसका एंडोस्केलेटन, जिसका अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना हुआ होगा, उसे कॉन्ड्रिक्थिस में रखते हैं. एग्जाम्पल शार्क, शार्क रे या रे फिश भी कहते हैं इसे, स्कॉलियोडॉन. डॉग फिश इलेक्ट्रिक रे, सॉ फिश, स्टिंग फिश, बहुत सारे तरह के कार्टिलेजिनस फिश आते हैं जो मेराइन होते हैं. ऑस्टिक्थिस बोनी फिश, एंडोस्केलेटन बोनी होगा, बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल पाया जाएगा. एग्जाम्पल लेबियो और रोहू. हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स. एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश. ग्नेथोस्टोमाटा. ग्नेथोस मीन्स जॉ एंड एस्टोमा मीन्स माउथ, मीन्स जॉ प्रेजेंट. ग्नेथोस्टोमाटा में माउथ में जॉ पाया जाएगा. दो सुपर क्लास फिशेज एंड टेट्रापोडा. फिशेज में ट्रू फिश आएंगे एंड टेट्रापोडा में ऐसे एनिमल आएंगे जिसके फोर लिंब होंगे. फिशेज को तीन क्लास में बांटा गया है. प्लैकोडर्मी जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुका है. बॉडी में हार्ड या डर्मल स्केल्स और प्लेट पाए जाते थे. एग्जाम्पल क्लाइमेटियस. कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनियस फिश, सार्क्रे और रे फिश, इलेक्ट्रिक फिश, स्कॉलियोडॉन और डॉग फिश. ऑस्टिक्थिस बोनी फिश, ऑस्टियो मीन्स बोन, इक्थायोज मीन्स फिश, ऐसा फिश जिसमें बोन पाया जाएगा. एग्जाम्पल लेबियो, रोहू, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश. सेकेंड सुपर क्लास टेट्रापोडा.
सुपर क्लास में चार क्लास आएंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। एम्फीबिया, एनिमल्स विथ ड्यूअल लाइफ, ये लैंड में भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा, ड्यूअल लाइफ है। एम्फी मींस वायस और एम्फी मींस बोथ एंड वायस मींस हैबिटेट, दो हैबिटेट में रहने वाला, लैंड भी चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है। एग्जांपल, इक्थायोफिस, सिसिलियन भी कहते हैं इसे, फ्रॉग, टोड, सालामेंडर, एम्फीबिया एनिमल विथ ड्यूअल लाइफ, एम्फी मींस बोथ एंड बायस मींस लाइफ, लैंड एंड वाटर दोनों नेसेसरी है इसके लिए, वाटर रिप्रोडक्शन के लिए मस्ट है एम्फीबिया में, इक्थायोफिस, फ्रॉग, टोड, सालामेंडर। नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, क्रीपिंग एनिमल, क्रीप करने वाले एनिमल, रेंग कर चलने वाले एनिमल रेप्टिलिया में आएंगे। एग्जाम्पल, टर्टल, टॉर्टवाइस, स्नेक, लिजार्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ग्रेवेलिस। टर्टल, टॉर्टवाइस, स्नेक, लिजार्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ग्रेवेलिस रेप्टिलिया में आ गए। रेप्टिलिया के बाद तीसरा क्लास एप्स, पहला क्लास एम्फीबिया, सेकेंड रेप्टिलिया, तीसरा एप्स। एप्स में बर्ड्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल, पिजन, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, एंड फोर्थ एंड लास्ट क्लास इज मैमेलिया। मैमल्स, एनिमल विथ मैमरी ग्लैंड, ऐसे एनिमल जिसमें फीमेल में मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। एग्जाम्पल, डक विल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी एंट ईटर, एकिडिना, यह दोनों मैमल है और यह दोनों एग लेइंग मैमल है।
इन दोनों को प्रोटोथेरियन मैमल भी कहते हैं, जो